हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे Zee5 पे रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है अटकन छटकन। मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 2 घंटे की और एक हिंदी मूवी है। खैर, कहानी शुरू होती है गुड्डू से, जो कि गरीब घर का लड़का है। उसकी एक छोटी बहन है और बात करें गुड्डू की माँ की, तो वो अब उन लोगों के साथ नहीं रहती है। लेकिन हाँ, गुड्डू का फादर है मगर वो शराबी है और उसका फादर जितना कमाता है बस वो अपने शराब में ही उड़ा देता है। तो इसी वजह से गुड्डू को घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन बचपन से गुड्डू को संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है और वो इसीलिए संगीत को और भी अच्छी तरह से सीखने के लिए अपने ही शहर की एक बड़ी स्कूल जिसका नाम है तानसेन म्यूजिकल स्कूल, उसमें एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गुड्डू को एक मौका मिलता है तानसेन म्यूजिकल स्कूल में एडमिशन लेने का। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। फिर बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। अगर आपके पास टैलेंट है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आपके अंदर वो बात है तो आप कहीं ना कहीं टॉप पर पहुंच जाओगे। लेकिन अमीरों को चीजें बहुत ही आसानी से एक प्लेट में परोस के मिल जाती है, लेकिन गरीबों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने को मिलता है। खैर, ये तो इस मूवी का एक पॉइंट है। लेकिन साथ साथ इस मूवी में एक बहुत ही प्यारी दोस्ती देखने को मिलती है माधव और गुड्डू के बीच में, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये देखकर आपको आपके दोस्त की याद आ जाएगी। खैर, इतना सब सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये मूवी परफेक्ट है? नहीं, क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छा है। शुरुआत इस मूवी की बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही इस मूवी का सेकंड हाफ शुरू होता है तो वैसे ही प्लॉट काफी प्रेडिक्टेबल होने लगता है। और उसके अलावा जो एक सब प्लॉट हमें इस पूरी मूवी में देखने को मिलता है, वो अगर इस मूवी में नहीं भी होता तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इस मूवी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मूवी पूरी तरह से खराब है, ये मूवी बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देखने को मिलता है कि जो चीजें मुझे फेल्ड होती है मैं वो बिंदास बोल देता हूँ। अब बात करेंगे इस मूवी में कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है गुड्डू का, उसको बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरी मूवी में डेवलप किया और हमें गुड्डू के बारे में यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई। और साथ ही जो दूसरे कैरेक्टर्स है, वो जो दूसरे बच्चे हैं, उनके अंदर भी जो जो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली वो एक्चुअली रियल लाइफ में बच्चों में होती है। इस तरीके के हमारे भी दोस्त है और साथ साथ जो इस मूवी में जो साइड हरामी कैरेक्टर्स बताए वो वाकई में सोसाइटी का एक आईना है। अगर आप घर से बाहर निकलोगे दुनिया में तो आपको इस तरीके के नमूने बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उनसे डील किस तरह से करोगे। जो छोटे बच्चे होते वो डर जाते, सहम जाते, वो इन लोगों का जवाब नहीं दे पाते। तो इसी वजह से अपने बच्चों को एक वेल ट्रेन करो ताकि वो जब घर से बाहर निकले तो उनको समझ में आए कि भाई सही कौन है और गलत कौन है, और इतना तो चालाक बनाओ कि कोई भी उनको इजीली बेवकूफ ना बनाए। खैर, अब बात करेंगे इस मूवी के सॉन्ग्स की, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे। स्पेशली जो सॉन्ग सोनू निगम सर ने गाया, इतना जबरदस्त उनकी वॉइस है और जिस तरीके से वो सॉन्ग है ना, मतलब आप आंखें बंद करके सुनोगे तो आप खुद ब खुद इमोशनल हो जाओगे। बात करेंगे इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की, तो ज्यादा कुछ यूनिकपन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, सिंपल और स्ट्रेट रखा जो कि काफी इम्प्रेसिव लगता है आपको देखने में। बात करेंगे अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मुझे सभी बच्चों का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बहुत ही रियलिस्टिक लगा। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे और जिस तरीके से वो लोग एक्ट कर रहे थे, मजा आ रहा था। लेकिन हाँ, जो जो लीड एक्टर है गुड्डू, वो मेरा से बच्चा साउथ का है तो वो जब हिंदी बोल रहा था तो वो थोड़ा सा एक मूवी में अलग सा लग रहा था डायलॉग बोलने के टाइम पे। लेकिन चीज को हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, हम लोग कोई बहुत बड़े ज्ञानी पंडित नहीं जो एक छोटी 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 चीजों पर नजर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया और उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है उनका काम भी मुझे अच्छा लगा। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। इस तरीके की मूवीज हर 2 महीने पे बनती रहना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हम बेशरम हो चुके, हम लोग आलसी हो गए, हम लोग अपनी लाइफ में मोटिवेट हो ही नहीं सकते। हमको इस तरीके की मूवीज देखना पड़ता है, तब जाके हमको समझ में आती है कि जो हमारे पास है वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने लोगों को ये सब चीजें भी नहीं मिलती और उनको जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ने में कितनी मेहनत जाती है वो लोग वही लोग जानते हैं। तो इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 2.5 स्टार। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और बात करेंगे इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, वो ये कि हमेशा की तरह एक गरीब बच्चा जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास बहुत सारे रास्ते में रोड़े होते हैं, और ये चीज हमें बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। सिर्फ सिचुएशन चेंज होती है और एक्टर्स चेंज होते रहते, तो इस वजह से ये मुझे इस पूरी मूवी का नेगेटिव पॉइंट लगा। और मेरे हिसाब से मूवी की लेंथ 2 घंटे के बजाय अगर 1.5-2 घंटे की होती या 1.5 घंटे की होती तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता। अगर आपको देखना है तो आप देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मैं कौन हूँ तो आपको फोर्स करने वाला, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक। मैं 2 दिन फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा, आप भी जरूर करना। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, आई विल बी